बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन। तो गाइस देखो, अभी रात के गालबन 2:15 हो रहे हैं, ठीक है। तो मुझे एक मैसेज आया कमेंट सेक्शन में मेरे एक सब्सक्राइबर का कि ना सेकंड ईयर का मटेरियल भी अपलोड करें, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर की ऑलरेडी ना एमसीक्यूज काफ़ी अपलोड किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें ना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला, क्योंकि जो एनुअल के बाद जो सप्ली का पेपर हुआ था ना उसके अंदर काफ़ी एमसीक्यूज वहाँ से आए हुए थे और स्टूडेंट ने मेरा शुक्रिया भी अदा किया और कुछ मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए थे। अभी मेरे पास जो है ना वो कुछ ये एनाटॉमी के एमसीक्यूज का एक बंडल पड़ा हुआ था, तो मैंने क्या क्यों ना आज ये शेयर कर दिया जाए, मे भी किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि आपको पता चंद दिन बाद सेकेंड ईयर का प्रवाफ होने वाला है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। तो ये थोड़े से एमसीक्यूज, थोड़े से नहीं बल्कि मोर देन इनफ है इंशाल्लाह। मेरा यकीन है कि यहाँ से कुछ ना कुछ एमसीक्यूज तो ज़रूर ही आएंगे। तो कॉपी पेंसिल उठा लें, सारे काम छोड़ें और जल्दी से आप लिखना शुरू कर दें। अगर किसी को वीडियो क्लियर नज़र नहीं आ रही ना तो अपनी वीडियो पे क्लिक करें, आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। अगर आप मोबाइल से देख रहे हैं तो वहाँ पे जाके वीडियो की जो है ना वो क्वालिटी या रेजोल्यूशन उसको मैक्सिमम पे करें, इंशाल्लाह आपको सारी की सारी वीडियो क्लियर होगी, नज़र आएगी, ठीक है। तो ये है ईयर का मुझे पता नहीं है अभी ये किस ईयर का था, लेकिन ये एमसीक्यूज़ है। फर्स्ट एमसीक्यूज़ कॉपियोला के बारे में, लेटरल ग्रामर गाइड। मैं यही रिकमेंड करूँगा जो जो लफ्ज़ आपको आ रहा है ना, मतलब यहाँ डेवलपमेंट ऑफ टंग है, तो आप फ़ौरन वो चैप्टर खोलें और इसको एक दफ़ा जल्दी से गौर से देख लें। फिर लेटरल टेरा गाइड है तो वहाँ लेटरल टेरा गाइड को थोड़ा देर में लाएँ, उसका अगर नहीं देर में आ रहा तो उसका एक दफ़ा सफ़ा खोल लें और उसको एक दफ़ा रीड कर लें, इंशाल्लाह आपको सारी क्लियर हो जाए। तीसरा टेंडन ऑफ लिवेटर पैल्पेब्राइस सुपीरियरस हो गया, ये लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर जो है ना वो आपको नज़र आएगा। तो ये लैक्रिमल ग्लैंड एक वो स्कैल्प वाले चैप्टर में भी है, मतलब थर्ड चैप्टर उसके अंदर आपको नज़र आएगा। एंडोलिम्फ का हो गया, ये आई थिंक वो न्यूरो के से रिलेटेड है, म्यूकोजा ऑफ नोज़ से, फिर एक एम सी यूज़ आया, फिर माइलोहाइड से आया। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीन शॉट ले लें, इंशाल्लाह मैं एंड पे सारे के सारे स्क्रीन शॉट के लिए ना मैनेज कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ को ना वो फिर सही नज़र नहीं आ रहा होता, इस वजह से मुझे बार बार मैसेज करने का क्लियर नहीं है। यही कहूँगा अपनी वीडियो रेजोल्यूशन इंक्रीज़ करें, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसका साथ साथ स्क्रीन शॉट ले लें। कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गया, पोस्टीरियर एथमाइडल साइनस से रिलेटेड हो गया, और स्टाइलो फेरेंजियस मसल है, फिर गॉल ब्लैडर जो यानी एब्डोमिन पेल्विस से आपको नजर आएगा, स्टाइलो फेरेंजियस मसल, ये ग्लासो फेरेंजियल नर्व, ये इसके अंदर आ जाएगा, टंग वाले चैप्टर के अंदर आपको नजर आएगा। स्ट्राइड साइनस, मतलब वो जो साइनस है ना एथमाइडल साइनस, वो सारे के सारे आपने साइनस एक दफ़ा देख लें। इन्वेस्टिंग लेयर, मतलब आपने अगर वो चैप्टर आई थिंक 4 है ना साइड ऑफ नेक, उसके अंदर ये वाला जो है ना वो इन्वेस्टिंग लेयर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पेरोटिड शीट से रिलेटेड इसकी जो है ना आपने वो सारी की सारी देखनी है जल्दी से। पेल्विक पार्ट ऑफ यूरोजेनिटल साइनस हो गया, ठीक है। फीमेल यूरिथ्रा बनाते, ये आई थिंक एम्ब्रियो से कोई आया एमसीक्यू। बेसोलेटरल जो होता है ना वो इस तरह का वो कह रहे हैं कुछ आता है। अच्छा, ये सारे के सारे कहीं से चुराए नहीं गए एमसीक्यू, ये स्टूडेंट्स जो है ना उनसे कलेक्ट किए गए हैं। कोई भी यूएचएस का अगर बंदा देख रहा है तो बी कम्फर्टेबल, हमारी अपनी कलेक्शन है, मतलब एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर जो स्टूडेंट आते हैं उनसे पूछ के तो ये एमसीक्यू सारे के सारे प्रिपेयर किए गए। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई चोरी चोरी का माल नहीं है। करोटेड पल्स जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़, सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द थायराइड हो गया, ओके हो गया। उसके बाद 20th एमसीक्यू जल्दी से देख लेते हैं हम, ताकि आपका टाइम जाया ना। टफ टफ एपिकल स्टीरोसील आपको नज़र आ रहा है, डेंस फाइब्रो इलास्टिक प्लेट हो गया, आई थिंक ये नज़र ठीक आ रहा हो, ओके अब ठीक है। कंजेंट डायफ्रेगमेटिक हर्निया एब्डोमिन पेल्विस से आ गया, एनुलर पेंक्रियाज, पेंक्रियाज वाला आप एब्डोमिन पेल्विस के अंदर देखेंगे। आयरस जो है ना वो एक्टोडर्म वाला चैप्टर, वहाँ से एक वो कह रहा है कि आया था। लिम्फाइड नोड्यूल जो है ना वो लिंगुअल टॉन्सिल वगैरह से आ गया। लेफ्ट इंफीरियर फ्रंटल गायरस हो गया, मतलब आपने गायरस वगैरह देख लेना। ग्लासोफेरेंजियल नर्व जो है ना, न्यूक्लियस एम्बिगुअस हो गया। और अच्छा, ये जो पहले वाला ना ये स्टेटमेंट है पूरी की, और ये जो सेकंड पे लिखा है ये आंसर्स जो सही आंसर हैं वो लिखे हुए हैं, कंफ्यूज नहीं होना। इंटरनल सेरिब्रल वेन से एक क्वेश्चन था, एक था मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द प्रोट्रूबरेंस जो थे ना इनोनियन हो गया, डेंस ऑफ द एटलस इन हैंगिंग हो गया, मतलब हैंगिंग के दौरान जो एक वो बोन क्रैक करती है ना उसे क्या कहते थे यार, मुझे भी खुद भूल गया। लेकिन हाँ, वो स्केल वाले से पीछे एक चैप्टर है क्लिनिकल के अंदर, वहाँ पर एक लिखा हुआ ओडोंटो ब्लास्ट के, नहीं नहीं ओडोंटो इस तरह करके यार नाम था, वो फ्रैक्चर होती है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, रात की नींद भी आई हुई है। प्यूडेंटल केनाल में क्या था, लेटरल वाला दी स्कीमो एनल केनाल हो गया, मतलब ये प्यूडेंटल जो होता है ना ये आएगा आपको एब्डोमिन पेल्विस के अंदर, मेरे ख्याल में ये आपको नज़र आएगी, ठीक है। ये एनाटॉमी सप्ली 2012 का सारा पेपर है, जिसने स्क्रीन शॉट लेना हो मे भी अब इस तरह ठीक आ रहा हो स्क्रीन शॉट,
ओके हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये सेकंड ईयर एनाटमी का है 2012 की, ये चंद पेपर है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूँ तो एक मिनट यार। ओके हो गया, ये हो गया डक्टल रेफरेंस से एपिथीलियम हो गया, सूडो हो गया, और ये आप इसका स्क्रीन शॉट यार जो है मेरे ख्याल में पढ़ना थोड़ा मुनासिब नहीं है, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोक के तो स्क्रीन शॉट का आपको टाइम देता हूँ। फिर भी यार अगर किसी को मसला हो तो मुझे बता दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, मैं इंशाल्लाह उसे भेज दूंगा ना पर्सनली भी। पेरोटिड डक्ट हो गया, बक्सीनेटर हो गया, मैक्रोफेजेस इन लीवर हो गया, एपिप्लॉइक फोरामेन से रिलेटेड एक है ठीक है, और एबडक्टर में एक आ जाता है ट्रेमर्स ऑफ द मूवमेंट हो गया ठीक हो गया, ये मुझे भी पता चल गया। हाइंड गट से रिलेटेड एक था डेरिवेटिव, इंटरनल एक्यूस्टिक मीएटस, इनर एयर फ्राम माइलन सेफलॉन हो गया, थायरोग्लासिस डक्ट जो होता है ना वो टंग से रिलेटेड है, सोलिट्रेस थैलेमस ट्रैक हो गया, एंगल मैंडिबल हो गया, रेटिस टेस्टिस हो गया ठीक है, टेस्टिस वाले जमने टी एम ज्वाइंट जो हो गया, और मैक्सिलरी आर्टिस्ट्रक्चर टू बी सेव्ड, हाँ ये एक क्लिनिकल था ओके हो गया, और है जनाब पोस्टीरियर स्पाइनल सेरिब्रल हो गया, मेटास्टेसिस हो गया, ब्रेन प्रोस्टेट हो गया ठीक हो गया, बक्कल नर्व हो गया ठीक हो गया, नेक हो गया, सुपीरियर मेसेंटेरिक हो गया, पोस्टीरियर हो गया, डोयन सर्कस हो गया ठीक है, पैरालिसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, एनेस्थीसिया में ठीक हो गया, जीनोग्लासिस पैरालिसिस हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर वे इन एनेस्थीसिया, हाँ जीनोग्लासिस जो सेफ्टी मसल होता है ना टंग का वही होता है ठीक है। उसके बाद स्टर्नो इलिक डोमेस्टिक मसल नेक के अंदर ओके ओके, इसकियो थायरोसिस एक्सेसिव क्रेटिनाइजेशन में है ठीक हो गया। ये तो फर्स्ट ईयर का एमसीक्यू था आई थिंक 27 वाला, मिड लाइन इंसीजन जो देना ब्लड लेस में था, के एल एम से इंसीजन करनी है ठीक है, न्यूरोनल क्रस सेल से ब्रेक देख लेना, डॉर्सल रूट हो गया, कंजक्टल एपिथीलियम हो गया ठीक है, उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल C7 की एक्सेसरी ठीक हो गया, नर्वगस और ये क्या है यार सेफनो पैराटाइन हो गया ठीक हो गया, पोर्टल वेन मेजर जो सप्लाई जो थे ना, उसके अलावा स्कैंड्री फोलिकल से रिलेटेड प्यूडेंडल नर्व से रिलेटेड था, एक्सेसरी से मैंने डैमेज होगा ट्राइंगल वाला ठीक हो, लिवेटर है नहीं हो गया, लेफ्ट सुपीरियर रीनल हो गया और लेफ्ट रीनल हो गया, सब्सटेंशिया जेलिटिनोजा हो गया ठीक हो गया। उसके बाद है एपिफिजियल प्लेट अर्ली फंक्शन प्लेक्स हो गया, और इसके अलावा जंक्शन नॉट कन्फर्म्ड हो गया ओके हो गया, अब पता चल गया मुझे। तो यार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से जल्दी से ले लें, क्योंकि मैं ख़ुद पहली दफ़ा देख रहा हूँ इसलिए कि इसके अंदर कुछ ऐसा वैसा ना हो यार, ताकि बाद में मसला बन जाए। ओके हो गया, स्क्रीनशॉट इसका ले लें अच्छा सा ये ओके हो गया। नेक्स्ट जो होता है ना वो है हमारे पास एमसी में ये एक तो मोनोग्राम लगा हुआ है, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल न्यूमोसाइट हो गया, कॉमन डिस्ट्रिक्ट ग्रैनुलोटेड डक्ट हो गया, स्पिकोसिटोली सेल करेक्टर हो गया, एंडोमेट्रियम इनसिक्योरिटी फेस हो गया, इन्वेस्टिंग जॉइंट इन दी बॉडी, स्प्लीन इन रिलेशन सेलिक फीचर्स हो गया, इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं मे बी आपको नजर ना आए, कोलिसिस्टेक्टमी, हिपेटो हेमरेज कंट्रोल हो गया, हिपेटिक आर्टिस, अपेंडिक्स पैरा सिंपथेटिक वेगस हो गया, इनएक्टिव थायराइड, क्यूबॉइडल हो गया, टू नेल ग्रो, लेटरल फिंगर नेल 4 वीक में ठीक हो गया, प्रोफेसर ये यार एम्ब्रियो से काफ़ी आए हुए हैं ना ठीक है, और फेशियल न्यूक्लियस मेडुला में ट्रैक्टस हो गया, VPL जो है ना स्पाइनल लेमिनिस का ही होगा, VPL था वेंट्रोपोस्टीरियल लेमिनिस का मेरे पता नहीं है कि इस तरह करके था कुछ, वो मीटिंग एंड पेन के अंदर जो है ना वो टिम्पेनिक ब्रांच ऑफ ग्लासोफेरेंजियल नर्व इन्वॉल्व है ठीक है, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम एंड वोमिटिंग के ट्रेकियोसोफेजियल फिस्टुला हो गया, IVC जो होता है ना कंपोनेंट ऑफ राइट विटल लाइन प्रोमिनेंट हो गया, लेफ्ट प्लेट में लेटरल प्रोसेस होता है, आई प्रॉब्लम और राइट साइड ऑफ बॉडी में लेफ्ट सेरिब्रल ओके हो गया, किडनी एजेनेसिस में ओलिगोहाइड्रो हो गया, सेप्टम ट्रांसवर्सम हो गया, सेंट्रल टेंडन हो गया, टंग हो गया ठीक हो गया, उसके बाद म्यूकोजा ऑफ दी लेरिंक्स हो गया, पेन और टेम्परेचर हो गया ठीक है, सब्सटेंशियल जेलेटिनोजा हो गया, रिलेशन इन किडनी पेन हो गया, सॉस मेजर ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू से 40 वाला सारे इंपॉर्टेंट है नो डाउट, इनफीरियर वेरियस सब्सटेंशियल 16 हो गया, कॉनजेनिटल रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, फेलियर हो गया, ऑप्टिक कप हो गया, यह साथ साथ स्क्रीन शॉट लेते जाएँ आप ना, माइलन शीट हो गया, ओलिगोडेंड्रोसाइट हो गया, लेग रोटेशन में एक्सटेंसर कंपार्टमेंट एंटीरियर मेंशन विद पास फ्रॉम द फोरामेन स्पाइन ऑफ द मीडियल मेनिंजियल आर्टरी ओके हो गया, इसको हाँ इसी तरह ठीक आ रही है पिक्चर
ओके हो गया, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में यार एक तो ये रेड वाला साइन बड़ा तंग कर रहा है, इस पर ये भी वही है यार, रेड वाला मिडिल मेनिंजियल हो गया। ओके हो गया। एम सी क्यूज ये प्रोस्टेट से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, पेल्विक डायफ्राम से मिडिल लोब प्रोस्टेट बी पी पता नहीं क्या है यार ये। पेल्विक डायफ्राम कोक्सीजिया से लेयर ऑफ द स्कैल्प फॉर्मेशन लूज, हाँ डेंजरस लेयर जो था ना लूज एलियोरल फोर्थ लेयर जो थी ना वो सुपरा पैराथायराइड ग्लैंड हो गया, इन्फीरियर थायराइड पोस्टीरियर वैली ऑफ यार क्या इतना ब्लर क्यों है ये, पोस्टीरियर वैली ऑफ द ये क्या फेशियल नर्व डाइगेस्टिक की, ठीक है हाँ पोस्टीरियर वैली ऑफ नर्व इन दी कैवर्नस साइनस जो होता है ना वो सारे का सारा फेशियल पेन जो होता है ना, उसके अलावा पैरासिम्पेथेटिक फाइबर टैराइड ग्लैंड लैक्रिमल ग्लैंड को जाती है, ठीक हाँ ये आपने वो टैरागॉइड जो होता है ना फोसा वो ही देख लेना, बोन इन द लिटल वॉल ऑफ द ऑर्बिट हो गया। आई से एक एम सी क्यूज आया, ठीक है मैक्सिलरी आर्टरी ये भी आई से एक आया, इन्फ्रा ऑर्बिटल आर्टरी है, ठीक है थर्ड ब्रांच मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांचेज आपने याद कर लेनी है। फिर रोटेड फेशिया जो होता है इन्वेस्टिंग लेयर इन डीप सर्वाइकल फेशिया हो गया, लीकेज या सेरिब्रल स्क्रिब्रीफॉर्म प्लेट ऑफ एथमाइड से जनाब सेरिब्रल स्पाइनल लीक होता है, ठीक है उसके बाद जनाब होता है मीडियल वॉल ऑफ द इस्क्यूएनल हो गया, ठीक है डायरेक्ट इनग्वाइनल हर्निया हो गया, ठीक हो गया हाँ हर्निया से रिलेटेड बहुत है। कंटेंट ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियल फ्लूइड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूसिंग इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ऑक्सेंट्रिक सेल हो गया। अच्छा जी अब ये सेकेंड ईयर एम सी क्यू एक और की है, एक और नया प्रोटोजन अब ये हाँ ये टंग के मसल आपने अच्छे से देखने हैं, सीटी बजाने के लिए बक्सी निडर आता है, इंसीजनल हरना रेक्टस एब्डोमिनस हो गया, ओवेरियन आर्टरी जो होता है ना वो क्या करता है ब्रांच ऑफ द एब्डोमिनल एओर्टा हो गया, इन्फेक्शन ऑफ एंटीरियर लेटरल साइड में सब मैंडिबुलर ओके हो गया, लैक्रिमल ग्लैंड ट्रांसफर ऑफ द थायराइड हो गया, गोनेडल रिज में रेटिनस हो गया, ब्लैक आई लूज कनेक्टिव टिश्यू इन्वॉल्व हाँ स्कैल्प से ही आया होगा, फिर ट्विस्टिंग ऑफ इंटेस्टाइन गैंग्रीन ऑफ द इंटेस्टाइन की लैसरेशन ऑफ द एयर टू कॉर्नर ऑफ माउथ पैरोटिड डक्ट हो गया, बोमैन कैप्सूल पैराइटल लेयर हो गया, सूडोसाइट हो गया, आर्टरी लाइगेटेड इन फंडस सर्जरी में शॉर्ट गैस्ट्रिक हो गया, ऑक्सीजन ऑफ द मैंडिबुलर ग्लैंड डैमेज, फेशियल आर्टरी गोनेडल कॉर्ड ऑफ द फीमेल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी फॉलिकल हो गया, ओके हो गया। उसके बाद जो वजह है पेन ड्यू टू एयर पैरेसिंग इन गर्ल जो होते हैं हाँ जुगलर फोरामेन ऑब्स्ट्रक्शन डैमेज मसल हो गया, स्टाइलोग्लासिस हो गया, अपर लिंब डेंजरस एरिया हो गया, स्टीरोसीलिया से एक रिलेटेड आ गया, लंग सरफेस कवर्ड बाय टाइप वन निमोसाइट्स हो गया, सर्जिकल एरिया ऑफ द प्यूमेंटल मैक्सिलरी साइनस से सुपीरियर मेंटेरिक एंड पोर्टल फॉर्मेशन बिहाइंड पैंक्रियाज हो गया, न्यूक्लियस अंडर द फैसिकल डैमेज एरिया पार्किंसन सब्सटेंशिया निग्रा हो गया, डैमेज टू द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी सबरेग्नाइड हो गया, सेरिब्रम डैमेज सेम साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है सेरिब्रम हाँ सेम साइड पर ही होगा सारे, माउथ मसल क्लोजिंग माउथ हो गया, ऑर्बिस ऑरिक्लियरस हो गया, फॉलिकल विद कोलाइड और थायराइड ग्लैंड हो गया, एसआईटी जितना लीवर सिरोसिस के अंदर हो जाती है, ओके हो गया। ये गाइस इसका यार स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, होप सो यहाँ ठीक हुआ होगा, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसके अंदर कोई मसला ना हो ना जो आउट ऑफ सिलेबस है वो मैं देख सकूँ ताकि मे बी कोई ना कोई मेरी भी हेल्प हो जाए। सब्सटेंशियल जेलेटिनोसा हो गया, ठीक है वेंट्रल मेसेंट्री हो गया, मैक्सिलरी आर्टरी हो गया, इन्फीरियर हैंड डिफॉर्मिटीज नेल फील्ड में साइनोइटी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है राइट हाइपोकोनियोकोलियोसिस हो गया, हैप्पी प्लेक फोरामेन बॉन्डेड ड्यूडिनम हो गया, अपर लिंब पेल्विक आउटलेट हो गया, ठीक हो गया कैनिकुलोसिस्टोमिक हो गया, प्रेशर ऑन द मिडिल ग्रेडियंट फोसा हो गया, एक्सट्राड्यूरल हेमरेज में मिडिल मेनिंजियल आर्टरी आ जाती है, ठीक है तो गाइज इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, इजी है बिल्कुल, इंशाल्लाह आप क्लियर कर जाएंगे, मसला नहीं है। नेक्स्ट जो है ना ये है एनाटॉमी सेकंड 2015 में जो आए थे ना
तो यार वीडियो काफ़ी लंबी होगी, नेक्स्ट मैं पार्ट में बता देता हूँ आपको। अभी तक होप्स हो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी का स्क्रीन शॉट रहता है तो यहाँ से दोबारा वो ले सकता है। मैं एक दफ़ा दोबारा स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ। फिर रिक्वेस्ट है आपसे, रेजोल्यूशन इंक्रीज़ कर, इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी क्लियर। इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके ये ले यार, मल्टीपल स्क्रीनशॉट आपको लेने पड़ेंगे नो डाउट। आप इसे किसी चीज़ पे लिख सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहीं से पढ़ लो यार, अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं तो। यह चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा यार। प्रोस्टेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पर, रोटेड फेशिया से, और ये वाला नेक्स्ट मैं ना इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ पढ़ के एक दफ़ा ना 10 मिनट के अंदर अंदर सारी वीडियो कंप्लीट कर दूँ यार, ताकि किसी का टाइम ज़ाया ना हो। नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ।